नमस्ते दोस्तों, मैं हर्षा दुलेरा मेरी चैनल फूड फिएस्टा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ी फिलर, जो कि बहुत ही इजी है बनाने को और टेस्ट में तो बहुत ही बेस्ट है और बच्चे तो इसे फटाफट चट कर जाएंगे। ऐसा है ये चीज़ी फिलर, तो देख लेते हैं ये चीज़ी फिलर कैसे बनता है। फ्रेंड्स, चीज़ी फिलर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आलू पराठे का जो मसाला होता है, जो बच जाता है, वो मैंने लिया है। और ये आलू पराठे का मसाला कैसे बनता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। और अभी हम बनाएंगे इसमें से ही चीज़ी फिलर। तो ये आलू का जो मिश्रण है ये लगेगा, थोड़े से मैंने चीज़ काट के रखे हैं छोटे छोटे पीसेस में, ये ले सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने ये ओट्स लिया है। तो अब हम इसमें से आलू में से छोटी सी टिक्की बनाएंगे, इसके बीच में हम रखेंगे ये चीज़ का एक पीस और उसे हम ऐसे बंद कर देंगे। आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। ये बनने के बाद हम इसे ओट में ऐसे डिप कर देंगे, इसको कवर कर देंगे। चारों तरफ से इसे कवर करना है। ये हमारी टिक्की रेडी हो गई है। इसी तरह से हम सारी ही टिक्कियां बना लेंगे। हमारी यहाँ पे सारी ही चीज़ी फिलर रेडी हो गए हैं और अब हम इसे शेलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब ये हमारी सारी ही चीज़ी फिलर हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। तरफ फ्राई हो जाने के बाद ही हम इसे पलटेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। चीज़ी फिलर रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बहुत ही टेस्टी लगता है। जब कोई गेस्ट आते हैं तभी भी आप इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ी फिलर की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू रेसिपी के साथ।